आजो बेटा आजो, जाओ। ये तुम्हारे लिए। अरे रख लो। जी तो फिर परसों आप लोग हमारी तरफ आ रहे हैं ना खाने पर? जी हम जरूर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन आप खाने का तकल्लुफ ना कीजिएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तकल्लुफ तो आप लोग कर रहे हैं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? अब आप लोग अपने घर में खाना खाएं या हमारे घर में, एक ही तो बात है। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। आपके दामाद साथ नहीं आए? वो एक्चुअली इस वक्त शहर में नहीं है। वो अच्छा सब खैरियत? एक्चुअली वो उनकी खाला की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें लुक आफ्टर करने गए, बट बेफिक्र हैं, शादी में इंशाल्लाह जरूर होंगे। अच्छा, अल्लाह उन्हें शिफा दे। आमीन आमीन आमीन। मेरे ख्याल है अम्मी मैं सज्जल को ऊपर ले जाती हूँ कमरे में, चले? हाँ हाँ हम भी चलते हैं। अच्छा है, भाभी का कमरा भी देख लेंगे, चलो। हेलो हेलो उमेर। बोलो सचिन, क्यों फोन किया? मैं मिलना चाहती हूँ। अब मिलने की कोई वजह नहीं है। मोहब्बत कब वजह की मोहताज होती है? क्या फायदा है इन बातों का? मैं किसी फायदे और नुकसान को नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। लेकिन सचिन मुझे नहीं पता, मैं मिलना चाहती हूँ तो मुझसे आकर मिलो तुम, और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं घर आ जाऊंगी। उमेर मैं सच कह रही हूँ। उनसे जाकर ये कह देना कोई आदमी पागल है। जोगी जब से तेरा ये जोग लगा है अब तो ये तन्हाई लगती सजा है। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। क्या बात करनी थी? तुम नहीं जानते जानता हूं मगर नहीं जानना चाहता। क्यों करे हो ये सब कुछ? क्यों मुझे जिंदान में फेंकना चाहते हो? कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? आसान नहीं है मेरे लिए ये सब। क्या आसान नहीं? हिम्मत नहीं हार सकते तो ऐसे छोड़ नहीं सकते मुझे। जाकर भाई से बात करो, मुझे पता है वो मान जाएंगे, उनको मेरी खुशी बहुत अजीज है, जानती हूँ मैं। उनकी बात हर तरह से बात करने की कोशिश की थी सजत, अगर जब इज्जत बीच में आ जा रहा तो सब पीछे रह जाता है। और मोहब्बत, मोहब्बत हो ही जाएगी। बीच रास्ते में छोड़ जाने वाले को पता है क्या कहते हैं? हंसो मत, तकलीफ हो रही है मुझे।
सारी तकलीफों का मदावा हो जाएगा। मोहब्बत का कोई मदावा नहीं होता। वहां से 10 गुना ज्यादा अच्छी जगह पर जा रहे हो सचिन, फिर भी गिला कर रहे हो। यकीन नहीं आ रहा तुम अभी तक मुझे जान ही नहीं सके हो। एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, सब भूल जाएगा जब। तुम भूल जाओगे? भूलने की कोई वजह नहीं है। यहां मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखकर कहो कि सब कुछ भूल जाओगे। मोहब्बत शायद भूल जाए, ऐसे नफ्स के बिना नहीं जी पाऊंगा मैं। क्या फायदा है ऐसे रिश्ते का जिसमें ना तो इज्जत है ना ही कोई मुस्तकबिल। उसे कम दो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है जो हमने देखा था, मगर शायद मैं नहीं दे सकता था। अक्षर एक अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा सचिन। क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? मत भाई मेरी बात सुने, जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। अच्छा बताओ फिर कैसा है, क्या कर रही हो तुम यहाँ उसके साथ? वो बोलो ये है कि मुझे सचिन से बात करनी थी। बस तुम अच्छे से जानते हो कि उसका रिश्ता तय हो गया है, उसके बावजूद तुम उसे यहां पर लेकर आए हो, ऐसे ही है? भाई मैंने बुलाया था। मैं बात करना चाहती थी। शौक है ना होटलों में लड़कों के साथ घूमने का, आज तुम्हें पता चला। क्या हुआ? खैरियत? जब भाई बहनों को होटलों में गैरों के साथ पकड़ ले तो क्या खैरियत रह जाएगी अम्मी? होटलों में? उमेर के साथ किसी होटल में बैठी नाम रोशन करी थी खानदान का। ये मैं क्या सुन रही हूँ? बड़ा मान था तुम पे मुझे सज्जल, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने। कल जा रहे हैं ना इसके ससुराल डेट फिक्स करने जा रहे हैं ना? चलो ठीक है, मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकता। और तुम, अगर तुमने उमेर के साथ शादी करने का सोचा भी सज्जल, तो साथ ये भी सोच लेना कि तुमने उसमें से या हम में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। और अगर तुमने उसका इंतखाब किया तो ये भी जहन में बात डाल लो कि फिर हम तुम्हारे लिए मर गए सज्जल, हम तुम्हारे लिए मर गए।